Now, come to the See, main, जो हमारे पास न्यूक्ट इज न्यूक्ल इज द लिविंग ग्रुप एंड अलकाइल चेन इज टू डिग्री दैट इज टू डिग्री अलकाइल है अब uh, तो देखो टू डिग्री अलकाइल एंड वीक न्यूक् मैकेगा इट विन वन क्लियर है अच्छा इसका प्रोडक्ट बताओ प्रोडक्ट क्या होगा इस वाले में तो अगर मैं देखू प्रोडक्ट लिखू तो प्रोडक्ट में क्या जाएगा पहले तो हमारे पास यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ पे प्लस बन जाएगा अब इस प्लस पे क्या करोगे सी एच थ्री ओ माइनस का अटैक करा दो यही कराएंगे क्या नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि कार्बो जो यहाँ बन रहा है इट कैन रीअरेंज यहां पे आता है तो दो और चार और तीन सात सेवन हाइपर कंजुमेशन मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज कर जाएगी सो इट विल रीअरेंज एंड दिस दिस विल विल व्हेन फॉर्म इट विल अटैक ऑन दिस सेंटर एंड वी विल गेट या तो ये सी थ्री अवहब चला जाएगा और ओ सी एच थ्री बिलो चला जाएगा या फिर इसके अपोजिट हो जाए मगर दोनों ही क्या होंगे सेम होंगे क्योंकि ये क्या है इसके अबाउट सिमेट्रिकल है ये कायरल सेंटर नहीं है क्लियर है चल क्वेश्चन नंबर नाइन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे आओ चलो इसको तरह मैं क्लियर कर दूं

इस वाले पे क्वेश्चन नंबर टेन पे बताइए क्या होगा द क्वेश्चन नंबर का मतलब क्या है equus दे रखा है, इसका मतलब वाल है. कहां पे करने है? इस वाले पे अटैक करने किधर से अटैक करेगा अपोजिट साइड से क्या होगा यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग निक्लीफाइल है ना तो इट विल गिव एस एन क्लियर है यहां तक चलो नौ no. क्स्ट फाइव क्वेश्चन नोट ऑल द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर अलेवन पे आते हैं सी वी हैव टू साइट फॉर द रिएक्शन दो साइट अवेलेबल है रिएक्शन के लिए एक क्या है यहां पे ये होगा वन डिग्री पे अगर एस एन वन की बात करें तो वो ज्यादा कहा होगा एस सॉरी टू डिग्री पे तो यहाँ पे एस एन वन होने की टेंडेंसी ज्यादा और यहाँ सॉरी यहाँ पे एस एन टू होने की टेंडेंसी ज्यादा है और यहाँ पे एस एन वन होने की टेंडेंसी ज्यादा है

the first step this product will फॉर और यहाँ पे बी आर रह जाएगा अब देखो यहाँ पे एक एक समस्या ये है जो हमारे पास ये दे रखा है इसके बारे में कुछ कह नहीं रखा कि लिमिटिंग है या एक्सेस में है अगर एक्सेस में होता तो इसको भी रिप्लेस कर सकता है क्योंकि टू डिग्री बेन्या एस एन टू तो पॉसिबल है तो यहां भी एस एन टू दे सकता है तो इसको रिप्लेस कर सकता था तो अब यह डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ये एक्सेस में दे रखा है या लिमिटिंग में बट अगर कुछ नहीं दे रखा है इन सच अंडीशन वी कंसिडर इट इन एक्सवेज रियजेंट आर ऑलवेज रियजेंट आर कंसिडर टू बी इन एक्सेस जो रियजेंट है हमारा उसको हम लोग क्या करते हैं हमेशा एक्सेस में ही कंसिडर करते हैं तो अगर ये एक्सेस में है तो क्या होगा ये फिर से रिएक्शन कर लिया तो अगर कुछ नहीं दिया है तो एक्सेस कंसिडर करना है और एक्सेस कंसिडर करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा तो दोनों साइड से बी आर रिप्लेस हो जाएगा तो यहां पे क्या आ गए सी एच टू सी एन और यहां पे क्या आ जाएगा सी एन आ जाएगा अब देखो दूसरा है कि अगर हमें यहां पे लिख के देता कि वी हैव वन इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट मीन कि एक ही इक्विवेलेंट अवेलेबल है तो अगर एक इक्विवेलेंट अवेलेबल है तो मतलब एक ही बी आर को रिप्लेस कर सकता है दोनों बी आर को रिप्लेस नहीं कर सकता तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा आंसर 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 यही आ जाएगा तो ये वाला answer नहीं बट अगर कुछ भी नहीं दिया तो क्या consider करने? Access. तो क्या है एक्सेस ये क्लियर अगर आपको इसकी लिमिटिंग एक्सेस के बारे में नहीं बोल रखा है तो आप क्या कंसिडर करेंगे एक्सेस कंसिडर करेंगे और अगर इक्ुबेट लिमिटिंग दे रखा है तो लिमिटिंग के अनुसार ही प्रोडक्ट नोट करेंगे यहां तक क्लियर है

तो कहां पे रिएक्शन कराओगे अच्छा देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है एक्चुअली हम लोग पहले कंसिडर कर रहे हैं कि वन इक्ट के लिए हमें रिएक्शन लिखना है क्लियर है एक ही इक्वेलेंट का यूज करना है एक्सेस में नहीं दे रखा है मतलब क्या है वन इक्वलेंट दे रखा है तो वन इक्वलेंट में या तो इसको डिस्प्लेस करेगा या तो इसको डिस्प्लेस करेगा मगर मैकेनिज्म क्या है एस एन टू एस एन टू कहा ज्यादा अच्छे से हो सकता है तो वन डिग्री पे क्लियर है थ्री डिग्री पे एसन टू होने की टेंडेंसी नेग्लिजिबल होती तो प्रोडक्ट जो बन जाएगा हमारा दैट विल बी यहां पर सीएल और यहां पे ओ सी एच थ्री नम टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब बताओ क्वेश्चन नंबर थर्टीन में कौन सा रिएक्शन होगा एस एन वन होगा या एस एन टू होगा अब देखिए एस एन वन या एस एन टू निकालने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा वेदर इट इज a strong nucleophile और वीक nucleophile। फाइल बताओ क्या है ये वेदर इट इज strong और वीक तो याद करो कि आप लोगों को बताया है इस टाइप का आपने क्वेश्चन भी कराया है और लिखवा भी रखा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच

और बिलो साइड से इनवर्जन होगा बिलो साइड से C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H अटैच हो जाएगा नाउ कम टू तो द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ टू डिग्री है और सॉल्वेंट क्या है वीक है सिंस वी हैव वीक सॉल्वेंट मैकेजम विल बी एस एन वन और एस एन वन मैकेजम से चला तो प्रोडक्ट बताइए क्या होगा मैं ना कुछ कुछ ऑप्शंस लिखता हूं आप बताएंगे इसमें से आंसर क्या होगा चलो ऑप्शन ए ले लिया हमने ऑप्शन ए देखो यहां पे ओ एच ऑप्शन बी यहां पे ऑक्सीजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और यहां पे प्लस ऑप्शन सी यहाँ पे ओ एच एंड ऑप्शन डी ले लिया हमने यहां पे ओ OH। एच अब आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा ए बी सी एन डी सोचो और बताओ क्या होगा चलो देखिए फटाफट क्या होता है तो देखो इस वाले में यहां पे ओ OH एच है तो फर्स्ट देखिए आपके पास एस एन वन है ना सिंस इट इज एस एन वन तो सबसे पहला क्या होगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन अब देखो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ अगर यहाँ पे अटैक कर गया तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए बट इट कैन रीअरेंज रीअरेंज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी स्टेबिलिटी विल इंक्रीज सो इट विल रीअरेंज तो रीअरेंज करेगा तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया यहाँ पे मतलब ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा तो इस वाले को हम इलिमिनेट कर देते हैं क्या ये rearrange करके यहां पे पे आया क्या? क्या कभी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे आने के बाद इसका दो हो जाएगा, stability क्या हो जाएगा जाएगी? जाएगी। कर रहे हैं। तो देखो इसमें वाटर विल अटैक एंड वन मतलब ये तो बन रहा है बन रहा है या नहीं तो आंसर क्या होना चाहिए बी होना चाहिए बट ध्यान दे क्या बताया दिस इज इंटरमीडिएट याद है जब हमने इसका ग्राफ बता करके दिया था तो बताया था यहाँ वाला इंटरमीडिएट क्या होता है ये होता है और यहाँ पे कार्बो के बताया है तो दिस इज ए इंटरमीडिएट तो प्रोडक्ट क्या होगा ये वेट करेगा और यहां से ये यह अपना एच रिलीज कर देगा और ओ OH में कन्वर्ट कर जाएगा Then C will be the answer, B. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में आइए क्वेश्चन नंबर 15 में बताओ कौन सा रिएक्शन होगा तो हमारे पास अगर मैं न्यूक्लियोफाइल देखूं तो दिस इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल एंड सॉल्वेंट क्या हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वॉटर विल बी द सॉल्वेंट नाउ सी दिस वन दिस इज टू डिग्री टू डिग्री अल्काइल है तो ये SN2 दे सकता है दे सकता है तो रिएक्शन क्या होना चाहिए SN2 होना चाहिए बट ध्यान दो कि यहाँ पे क्या है बीटा पे टर्सरी अल्काइल ग्रुप अवेलेबल है तो याद करो एस में जो छ मॉलिक्यूल लिखाया है लिखवाया है जो कि एस नहीं देता उसमें से एक क्या है ये वाला भी है सो इट विल नेवर गिव एस इट विल ओनली गिव एस वन तो कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे एस एन प्रोडक्ट के लिए चलो तो यहाँ पे प्लस फिर क्या होगा इसका रीअरेंजमेंट हो गया रीअरेंज किया तो प्लस यहाँ पे तो अब यहाँ पे ओ एच का अटैक करा दीजिए एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्लियर है यहां तक चलिए इसके बाद भी कुछ सवाल हैं और वो काफी अच्छे सवाल हैं, हम लोग वो भी करके देखें नौ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ नीट नीट 2016 में पूछा गया सवाल है और आपको इसका आंसर बताना है चलो फटाफट सवाल देखो और आंसर बताओ क्या होगा कुछ टाइम के लिए वीडियो पॉज कर ले और फिर बताए कि आंसर क्या होगा तो देखो सवाल पे आ जाओ सवाल क्या क्या रखा है कंसीडर द रिएक्शन तो हमारे पास ये वन डिग्री तो क्या है? ये वन डिग्री है ना वन डिग्री अल्काइल ग्रुप है हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज वन डिग्री अल्काइल ग्रुप तो वन डिग्री अल्काइल ग्रुप है और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है दैट इज स्ट्रॉन्ग तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए तो मैकेट बी एस एन टू नो सी द रिएक्शन विल बी फास्टर रिएक्शन विल बी फास्टर तो पहला किस मीडियम में रिएक्शन फास्टर होगा तो ऑप्शन वन देखो तो क्या दे रखा है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ऑप्शन बी क्या दे रखा है सी एच थ्री ओ एच ऑप्शन सी क्या दे रखा है एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइट फॉर्मामाइड तो तो और एसेंटू क्या होता है एसेंटू इज फेवर्ड इन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट तो कौन सबसे अच्छा रिजेंट होगा किसमें रेट फास्टर होगा रेट विल बी फास्टर इन पोलर अ प्रोटिकवेंट सी विल विद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ये वाला बताए क्वेश्चन इन एस एन वन पहले सवाल को पढ़ो फिर आंसर बताओ क्या होगा सी इन एस एन वन रिएक्शन ऑन कैरल सेंटर देयर इज इनवर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रिस्माइजेशन 100 परसेंट रिटेंशन 100 परसेंट इनवर्जन एंड 100 परसेंट रिस्माइजेशन तो सवाल क्या कह रखा है कि अगर एक कैरल सेंटर है अगर हमारे पास ये कैरल सेंटर है और हम रिएक्शन करा रहे हैं यहां पे एस एन वन हमने रिएक्शन क्या करा है एस एन तो पूछ रहा है जो फाइनल सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा क्या 100 रिटेंशन होगा 100 परसेंट इन्वर्जन होगा 100 परसेंट होगा या इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्सल रिस्माइजेशन तो याद करो आपको मैंने बताया था कि एस एन वन रियक्शन में रिटेंशन एंड इनवर्जन दोनों ही पॉसिबल हैं दोनों ही होते हैं रिटेंशन भी होता है और इनवर्जन भी होता है अब तो रिटेंशन और इनवर्जन तो हमारा नहीं हो सकता तो क्या रेस्माइजेशन की बात की तो याद कीजिए हमने क्या बोला था हंड्रेड परसेंट रेसमाइजेशन रेयर होता है बहुत लिस्ट कंडीशन है जब हंड्रेड परसेंट रेस्माइजेशन होता है बेसिकली क्या है 80 टू 90 परसेंट रेसमाइजेशन होता है और और 10 to 20 ज़्यादा होते हैं retention से है 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 आप देखेंगे तो तो 98% तक आपको मिलेंगे और 100% बहुत ही होता है. है? तो inversion product क्या होता क्या हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट से ज्यादा होता है तो क्या आंसर क्या आ जाएगा इनवर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू दार्सियलेशन मतलब कंप्लीट रेस्माइजेशन नहीं होगा पार्शियल रिस्माइजेशन होगा और इनवर्जन प्रोडक्ट क्या होंगे रिटेंशन से रिटेंशन प्रोडक्ट से एक्सीड करेंगे तो 100% रिस्माइजेशन इज नॉट पॉसिबल ई विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला सॉल्व करके बताओ कौन सा होगा रिएक्शन तब देखिए इस वाले में कंडीशन पहले वाले को देखो अल्काइल ग्रुप क्या दे रखा है CH3 CH देखो तो ये second degree and beta second degree alkyl halide हमेशा हमेशा करता है है कि अब कब कब होगा SN2 होगा Clear है? तो यहां पे हमेशा सोच के answer tick करने का यही एक ऐसा रिएक्टेंट है यही एक ऐसा अल्काइल ग्रुप है जो टू बीटा टू सेकेंडरी एंड बीटा सेकेंडरी बीटा पे सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री अल्काइल ग्रुप अवेलेबल हो तो ये आपको बार बार प्रॉब्लम में डाल सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख के फिर आंसर करें तो देखो यहाँ पे प्राइमरी है और यहाँ पे हमारे पास सी टू एच फाइव ओ एच बेसिकली ऑप्शन से आप ये क्लियर हो जाएंगे या जो इंफॉर्मेशन दिया होगा सवाल में उससे ये क्लियर होगा कि रिएक्शन एस एन वन होगा या एस एन टू होगा अगर फिर भी आप क्लियर नहीं है तो आपको टेबल याद है उस टेबल का यूज करें और आंसर निकालें तो देखो इस वाले में प्रोडक्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट देखो क्या लिखा है प्रोडक्ट में उन्होंने लिखा है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू एन ओ सी टू एच फाइव मतलब यहाँ पे से बी आर हटा के ये डायरेक्टली अटैच हो गया अगर एस एन वन होता अगर ये एस एन वन होता तो क्या होता हमारे पास हमारे पास सी एच यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच टू और इस पे प्लस ये बन जाता अगर ये कारोकेट बनता तो फिक्स है कि इसका क्या हो जाता रीअरेंजमेंट हो जाता तो अगर हम लोग इसका रीअरेंजमेंट कराए तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे ये प्रोडक्ट आ जाएगा क्लियर है तो ये रिएक्टेंट तो अटैक कहाकेंड तो मतलब है, है? तो वाले को देखो तो सेम चीज कराया और निक्लियोफाइल भी क्या है स्ट्रॉन्ग तो ये भी क्या आ जाएगा एस एन टू दोनों ही मैकेनिज्म क्या है एस एन टू तो सी विल बी द करेक्ट आंसर तो सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो ये सवाल करो क्वेश्चन नंबर 19 सवाल पढ़िए और एक बार ट्राई कीजिए आंसर क्या आएगा चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो कौन कौन से है कि एक हमारा ये वाला है और दूसरा ये वाला है तो कॉन्फिग्रेशन देखा जाए दिस इज आर एंड दिस इज आर अब इसका रिएक्शन कराने का प्रोडक्ट लिखते हैं तो देखो मैं इधर लिखता हूँ रिएक्टन को पहले अटैक <laughs> करने वाला जो ग्रुप है वो हमारा ये वाला ग्रुप है और यहाँ पे क्या है एस माइनस है और इसका कॉन्फर्मेशन आर है कहाँ पे अटैक कर रहा है तो अटैक करने चला ये तो सी और यहाँ पे एच हम लोगों ने यहाँ पे सी एच थ्री लिख लिया और इधर सी टू एच फाइव एंड बी आर तो देखो कि अटैक कौन कर रहा है ये अटैक कर रहा है कहाँ अटैक कर, कर रहा है इस पे अटैक कर रहा है Since इस पे हो रहा है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री किसका चेंज करेगा इस कार्बन का क्या इस कार्बन के इस पे सकते हैं अब एक चीज देखिए यहाँ आर है ये आर फॉर्म में इसका फॉर्म क्या है? अभी आर है अब देखो अटैक क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होगा एस एन टू होगा रिएक्शन कौन सा हो रहा है हमारा एस एन टू हो रहा है और ये इस साइड से अटैक करेगा और ये इस साइड से रिमूव करेगा तो अगर मैं प्रोडक्ट लिखूं तो क्या आ जाएगा पी एच एन सी एच यहाँ पे सी एच थ्री इसके अबाउट तो कोई भी चेंज नहीं है ये आर था आर ही रहेगा यहाँ पे सी और यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे सी टू एच फाइव और यहाँ पे आ गए एच इसको थोड़ा सा चेंज कर लो इस साइड टिल्ट कराओ आप इसको इधर लिखिए दैट इज सी एच थ्री क्लियर है

प्रायोरिटी चेंज हो जाती है जो ग्रुप अटैच हुआ है तो आर भी आ सकता है फिर एस भी आता है फिर हमें फीसर प्रोजेक्शन लिख के निकालने पड़ेंगे आप यहाँ भी फीसर प्रोजेक्शन लिख के निकाल सकते हैं बट उससे ज्यादा आसान पड़ेगा कि मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल लूँ तो क्या बोला कि बी आर फर्स्ट था और अभी जो अटैच हुआ ये भी क्या है फर्स्ट है बट ये क्या अपोजिट साइड से तो अब की बार क्या हो जाएगा ये चेंज कर जाएगा तो यहाँ अगर आर है तो यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा एस आ जाएगा तो प्रोडक्ट जो निकलेगा तो उसके पास क्या मिला मुझे एक तो आर था ही दूसरा क्या आ गया एस तो एंसर विल बी बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्लियर है आखिरी सवाल है दिस इज द लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रिएक्शन ऑफ बेंजाइलिक ब्रोमाइड बेंजाइलिक ब्रोमाइड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है हमारे पास रिएक्शन है हमारे पास सी एच टू बी आर और इसका रिएक्शन कराने हैं ओ OH एच माइनस से अब पूछा बताओ मैकेनिज्म होगा तो अब देखो ओ एच एन सॉल्वेंट क्या हमारा वाटर एक्वस दे रखा है ना एक्वस ओ एच तो मतलब सॉल्वेंट वाटर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए स्ट्रॉन्ग है और हमने पढ़ रखा है वीक होता है तो एस एल स्ट्रॉन्ग है तो क्या हो जाएगा इट विल बी एस सॉरी इट विल बी एस एन टू एस एन टू मैकेनिज्म है तो प्रोडक्ट सॉरी एस एन टू मैकेनिज्म मैकेनिज्म ही पूछ रखा है और कुछ नहीं और प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे यहाँ पे सी एच टू एन ओ एच तो हमारा आंसर क्या आ गया B विल बी द करेक्ट आंसर तो ये सारे अच्छे सवाल हैं आपको ये डिसाइड करने के लिए कि, कि किस कंडीशन में एस एन वन होगा और किस कंडीशन में एस होगा तो इन सवाल को मार्क करके रखिए क्योंकि रिवीजन के टाइम आपको ये सॉल्व करना होगा अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन हमेशा क्लियर हो जाएगा कि किस एसएन किस कंडीशन में एस एन टू पॉसिबल है और किस कंडीशन में एस एन टू सॉरी किस कंडीशन में एस एन वन और किस कंडीशन में एस एन टू तो ये सारे सवाल को मार्क करके रखो रिविजन के टाइम में ये काम आएंगे ओके थैंक यू